पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शहर के कई केंद्रों पर आयोजित हुई। ये परीक्षा दो पारियों में होनी है। पहली पारी में सुबह 8 से 11 बजे तक पेपर हुआ तो दूसरी पारी में 3 से 5 बजे तक पेपर हुआ। परीक्षार्थी नियत समय पर केंद्रों पर पहुंच गए। परीक्षा को लेकर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को हाफ शर्ट में अंदर प्रवेश दिया गया और पैन के अलावा कुछ भी अंदर ले जाने की परमिशन नहीं मिली। कोटा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 96,000 अभ्यर्थी अपना भाग्य आजमाएंगे। वहीं परीक्षा को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए। सेंटर पे व्यवस्था मेरी वेल थी एंड जो पेपर आया था मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड भी हार्ड तो बिल्कुल नहीं था। मतलब जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की उसका बहुत अच्छा गया है। बाकी कंप्यूटर के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आ गए थे, एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगभग लग रहा था कि हाँ 10 to 15 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा था। बाकी और वेरी वेल था, मतलब पेपर गुड था। व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था अच्छी थी, सिक्योरिटी भी अच्छी थी और सेकेंड स्टाफ भी कम्फर्टेबल था। और पेपर की बात करें तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस ज़्यादा थे एंड जीके के तो थे ही थे, टोटल 150। पेपर को देखते हुए तो हाँ पेपर अच्छा था, लेवल के हिसाब से पेपर था, लास्ट कंप्लीट का जो था अच्छा पेपर था, अच्छा एक्सपीरियंस मिला। आप प्रश्नों की बात करें तो किस तरह के प्रश्न इसमें ज़्यादा आए थे और क्या रहा इसमें? परेशानी इसमें थे कंप्यूटर के थे ज़्यादातर, और जो अपने जीके वगैरह थी, करंट थी, ये क्वेश्चन था।